हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन वंडर फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अपन ने रिलेशन बिटवीन वंडर फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एनिहिलेशन। प्रेजेंट क्लास में डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ में अपन क्या डिस्कस करेंगे बेटा, वंडर फैक्टर। सपोज इनिशियली अपने पास में एन ए मॉलिक्यूल है, कितने आपके एन ए मॉलिक्यूल। आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाते हैं आपके ए एन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एसोसिएशन में क्या होता है आपका कोलाइड हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, मिल जाता है। जी कितने होंगे आपके भाई, वन मॉलिक्यूल्स। कितने होंगे आपके वन मॉलिक्यूल्स, और यहां पर क्या होगा जी इसकी फॉर्म में कंसंट्रेशन, इसकी फॉर्म में कंसंट्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, यहां के आपका वन माइनस एल्फा, और यहां क्या होंगे एल्फा बाई, क्या होगा एल्फा बाई। आपको डायरेक्ट ट्रिक है, अगर आपसे क्या पूछे आयनाइजेशन तो आपको क्या करना है एन एल्फा, और आपसे क्या पूछे एसोसिएशन तो क्या करना है आपको एल्फा बाई। क्लियर बेटा, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन वन, देन नो डिसोसिएशन जीरो, एसोसिएशन जीरो। इस कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना हुआ अल्फा हुआ, तो लेस कितना जाएगा वन माइनस अल्फा, या कितना जाएगा अल्फा बाई। ये क्लियर है, मैंने सोच बताया आपको कि यूज करना है आपको आयनाइजेशन में एन अल्फा और एसोसिएशन में अल्फा बाई। क्लियर, आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एम, वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एम। क्लियर, अब किसकी कैलकुलेशन करेंगे अपन, वन ऑफ फैक्टर, वन ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन। क्लियर, वांडा फैक्टर आई इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, दैट मीन्स दैट इज द ऑब्जर्व वैल्यू, प्रैक्टिकली वैल्यू। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन दैट इज द थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू, राइट। यहां से अगर अपन आई की कैलकुलेशन करें, देखिए बेटा आई स्क्वायर क्या हो जाएगा वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन अपॉन वन। तो ये वैल्यू क्या है आफ्टर एसोसिएशन, और वन बिफोर एसोसिएशन, दैट इज क्लियर। देन आई स्क्वायर टू वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, क्लियर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय एन इन बोथ साइड, क्लियर। तो अपने पास क्या लिया, देखो एन आई इज इक्वल टू एन
1 minus alpha plus alpha, क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इस अल्फा को इधर ले आऊंगा, इसको उधर ले जाऊंगा। देखो एन आई इज इक्वल टू एन माइनस एन अल्फा प्लस एल्फा, एन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? अब देखो इधर इस एन वाले को इधर कर लो आप, एन आई इज इक्वल टू एन प्लस एल्फा माइनस एन एल्फा, इट इज क्लियर? यहां से क्या एन कॉमन आ जाएगा, ये तो हो गया आई माइनस वन, या एल्फा कॉमन आ जाएगा, ये हो गया वन माइनस एन, क्लियर? और यहां से अपने पास क्या निकाल लेंगे, एल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू एन हो गई, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बेटा एक बार, एन आई एन वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा, एन आई अपने पास है, एन से मल्टीप्लाई किया इसको, सही। देखिए एन आई माइनस वन अपॉन एन माइनस एन, दैट इज द वैल्यू ऑफ एल्फा, क्लियर? दोबारा चेक कर लीजिए, आई इक्वल टू वन माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन अपॉन वन, दैट इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर, देन वी कैन राइट I is equal to 1 minus alpha plus alpha by n. Equation multiplied by n in both sides. Then n I plus n 1 minus alpha plus alpha. Clear? Then n I plus n minus n alpha plus alpha. यहाँ से alpha common, इसको इधर लाएंगे, n minus n I minus n plus alpha minus n alpha. Then n I minus 1 is equal to alpha 1 minus n. यहां से alpha जाएगा आपका n I minus 1 upon 1 minus n. That is clear. कोई doubt है तो अपने पास में किसका formula आ गया, यहां से तो ये आया आपके पास में I का formula आ गया, और यहां से आपका alpha का formula आ गया, in sense of degree of association. In sense of degree of association. That is clear, कोई डाउट है? ये आपका एक डेरिवेशन टाइप हो गया। कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो जाता है, यूज द रिलेशन बिटवीन वांडा फैक्टर विद डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो उसके लिए आपको अल्फा और आई के फॉर्मूले न्यूमेरिकल में आपको यूज है, क्लियर? देखिए बेटा क्वेश्चन इज 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्वड इन 20 ग्राम बेंजीन, 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्वड इन 20 ग्राम बेंजीन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.317 केल्विन, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्या करते हैं आपको बेटा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको, दैट मीन्स अल्फा इन सेंस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको करना है, फाइंड आउट करना है।
If Kf for benzoic acid is 5.1 Kelvin kg per mole. Clear? एक ही है given values. क्या है? ग्राम मास ऑफ बेंजोइक एसिड. ग्राम मास ऑफ बेंजोइक एसिड हाउ मच? 0.3 ग्राम. क्लियर? ग्राम मास ऑफ बेंजीन that is solvent. पर ध्यान रखिए लैंग्वेज में आपको आइडेंटिफिकेशन इंपोर्टेंट है. विच पार्ट इज सोल्यूट विच पार्ट इज सोलवेंट. कौन सा सोलवेंट है कौन सोल्यूट है कौन सी वैल्यू सोल्यूट की कौन सी वैल्यू सोलवेंट की. कितना हो जाएगा आपका 20. क्लियर? फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंशियल दैट मींस डेल्टा टी एफ दैट गिवन कितना है 0.317 केल्विन राइट. कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट मींस अल्फा. अब देखिए अल्फा के लिए हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा. देखो यहाँ पे देखो इधर एन रिक्वायरमेंट होगा आई रिक्वायरमेंट होगा. तो इससे अपन यहां पर जो वैल्यू गिवन है इससे अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए थोड़ा सा यहां पर आपको एडवांस होना होगा. इससे अपन क्या कर सकते हैं एम डी कौन सा ऑब्जर्व जो भी अपन यहां पर प्रैक्टिकली कर रहे हैं. देखो प्रैक्टिकली कैसे हुआ इसको इसमें डिजोल्व कर रहे हैं तब अपन को कितना ऑब्टेन होगा दैट इज द ऑब्जर्व प्रैक्टिकली वैल्यू राइट. तो यहां पर जो एम बी कैलकुलेट होगा वो कैसा होगा ऑब्जर्व होगा. फॉर्मूला क्या जाएगा अपने पास में के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000. क्लियर? एम बी ऑब्जर्व इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी है 5.1 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है दैट इज डब्ल्यू बी राइट 0.3. ग्राम मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट इज द ग्राम मास ऑफ सोल्यूट राइट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ 0.317 इंटू डब्ल्यू ए 20. कोई डाउट है? एम बी ऑब्जर्व दैट इज द 241 ग्राम मोर इनवर्स. इन सबको कैलकुलेट करेंगे अपने पास कितना जाएगा 241 ग्राम मोर इनवर्स दैट इज द एम बी ऑब्जर्व प्रैक्टिकल वैल्यू ऑब्टेन होगी. क्लियर बेटा? कोई डाउट है? दैट इज द प्रैक्टिकली मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड. प्रैक्टिकली मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड राइट. वी नो डेट अबाउट द मोलर मास विद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट इज मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आई क्या आता है ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटर. आई क्या आता है आपका ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटर. जब मोलर मास के लिए अगर अपन आई निकालेंगे इसके लिए मोलर मास के लिए जब आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा. तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड इन सेंस ऑफ मोलर मास क्या आएगा अपने पास में. देखिए आई इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व.
कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, रिवर्स हो जाएगा बिकॉज मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव मोमेंट। क्लियर? तो कैलकुलेट कितना आपके पास में 122 अपॉन 241, 122 अपॉन 241। बात क्लियर है? तो अपने पास में आंसर होगा इसका 0.5006। दैट इज क्लियर? कोई डाउट है? नहीं होगा। अब क्या है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? अल्फा। क्या करना है आपका? अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा के लिए अपने पास में देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एन आई, आई अपने पास आ गया एन, ठीक है। कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ध्यान देना बेटा, कैलकुलेट मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, राइट। 122 बेंजोइक एसिड फॉर्मूला होता है आपका, देखो C6H5COOH, टोटल कर लेना कितना आएगा 122 ग्राम मोलर मास। क्लियर? अब क्या करना है आपको? अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उससे पहले अपन क्या करना है? एन, देखिए एन फॉर बेंजोइक एसिड कितना होगा 2, जो मैंने आपको बताया था कब, एबनॉर्मल मोलर मास में बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, दीज आर एसोसिएट बाय एच बॉन्डिंग, तो वहां पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। एन की वैल्यू कितनी हुई आपकी? 2। तो यहां पर आप उसमें पुट अप कर दो, तो देखिए अपने पास में अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी। देखो अल्फा इज इक्वल टू 2, आई कितना है अपने पास में 0.506 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2। क्लियर? अल्फा इज इक्वल टू 2, इसको आप माइनस करोगे, ऊपर माइनस की वैल्यू आएगी, नीचे भी आएगी आपकी माइनस की वैल्यू आएगी, तो यहां पर इसको अगर माइनस करते हैं तो देख लो आप जी 0.1005064944, ठीक है 494। तो ये अपने पास में -0.494 अपॉन -1, और अपने पास में यहां से अल्फा निकल कर आएगा जी बेटा, अल्फा इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये जाएगा 0.889, और इसको परसेंट में लिखिए कितना जाएगा 98.8%, दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? इस तरह से आपको पूरी पूरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन गिवन हो, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आई के साथ में फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।